रत्ना। उसे बचपन से ही पानी में जादू करने की विद्या आती थी। रत्ना और उसके छोटे भाई को उसके दादा ने ही बड़ा किया था। एक दिन जब उसके दादा अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने रत्ना को बुलाकर बोला, बेटी रत्ना, मेरा समय अब पूरा हो चुका है। दादाजी ऐसा मत बोलिए दादाजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपके अलावा हमारा है ही कौन? सुनो बेटी, इस गांव में सभी को तुम्हारी जादू से बहुत डर लगता है। इतने दिनों तक मैंने तुम दोनों को सभी से बचा कर रखा था, और जब मैं नहीं रहूंगा तो वो लोग तुम दोनों का जीना मुश्किल कर देंगे, तुम्हें रहने नहीं देंगे। लेकिन लेकिन दादाजी, हम लोग कहाँ जाएंगे? अब मैं अगर मर गया तो कहीं दूर ऐसी जगह चली जाना जहाँ कोई भी तुम्हें पहचानता ना हो, समझी बेटी? जहाँ कोई भी तुम्हारी इस जादू विद्या के बारे में न जानता हो, किसी ऐसी जगह चली जाना और वहाँ पर भी अपनी इस जादू विद्या को छुपा कर रखना, वरना जहाँ भी तुम जाओगी वहाँ के लोग तुम्हें गलत समझेंगे। दादाजी, दीदी दीदी, मुझे मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। थोड़ी दूर चलो, हमें जरूर कोई कुआं मिल जाएगा। थोड़ा सब्र कर लो ना भाई। अरे दीदी देखो, वहाँ तालाब में गाय पानी पी रही है, क्या मैं भी पी लूँ? रुक जाओ भाई, पहले मुझे इस पानी की जांच कर लेने दो। नहीं भाई, खबरदार, यहाँ का पानी पीने के बाद तुम भी गाय बन जाओगे। ओ, अच्छा ठीक है। दीदी, ओ दीदी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो सकता, मुझे मुझे उस तालाब से पानी पीना है। रुक जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ, मुझे पहले इसकी जांच करने दो। नहीं भाई नहीं, इस तालाब का पानी पीने के बाद तुम बकरी बन जाओगे। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस तालाब का पानी पी कर ही रहूंगा। मत जाओ भाई, वो पानी मत पियो। मेरी बात सुनो भाई। अरे दीदी दीदी सुनो, दीदी मैं तो सच में बकरी बन गया हूँ। मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था भाई, ये तुमने क्या कर दिया? मैं अब वापस से इंसान कैसे बन पाऊंगा दीदी? इसके लिए जादुई तालाब की जरूरत है। नहीं, आसपास में तो जानवर से इंसान बनने वाली तालाब दिखाई नहीं दे रही भाई। दीदी तो क्या अब मैं वापस इंसान नहीं बन पाऊंगा? जरूर बनोगे, बस इसके लिए मुझे जादुई तालाब खोजना ही होगा। चलो चलो अभी मेरे साथ चलो। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है, इसकी दोनों आंखें कितनी खूबसूरत है। वाह आह, कितने प्यार से इसने उस बकरी को अपनी गोद में उठा रखा है, मैं ऐसी ही जीवन साथी तो ढूंढ रहा था। सुनो जरा, तुम इस रास्ते में अकेले कहाँ जा रही हो बताओ? मेरा कोई भी नहीं है और मेरे पास रहने के भी जगह नहीं। अच्छा ठीक है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? कहाँ? मेरे घर पर, मैं इस गांव का जमींदार हूँ। लेकिन मेरा मतलब है कि वहाँ किस रिश्ते से रहूँगी मैं? अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? ठीक है बताओ बताओ, क्या है तुम्हारी शर्त? आप कभी भी मुझे कहीं आने जाने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे और इस बकरी के बारे में कोई भी सवाल नहीं करेंगे। ठीक है मैं तैयार हूँ, तो फिर चलो। दीदी कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक मैं इंसान नहीं बन पाया हूँ। भाई अभी घर पर कोई नहीं है, चलो
चलो हम लोग अभी जादुई तालाब खोजने चलते हैं। मैं अब और नहीं चल पा रहा हूँ दीदी। चलो भाई हम उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। इंसान इंसान, कितने दिनों बाद इस जंगल में कोई इंसान आया है। अब इस इंसान को छूकर इंसानी रूप धारण कर लूंगी और इंसानों की तरह पके हुए मांस चबा चबा कर खाऊंगी। बहुत मजा आएगा। अब और कितने दिन मुझे इसी तरह बकरी बनकर रहना पड़ेगा दीदी? परेशान मत हो भाई, जादुई तालाब मिलते ही मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी। ओह, इस लड़की का भाई बकरी बन गया है। इसे अब इंसान बनने की जरूरत नहीं है। मैं इसी बकरी को पका कर खाऊंगी। जानती हो दीदी, जीजा जी भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, हर समय मेरा ध्यान रखते हैं। हाँ भाई, चलो भाई बहुत समय हो गया है, अब हमें वापस घर जाना चाहिए। आओ भाई, हमारे घर के पास वाले इस तालाब के किनारे बैठकर थोड़ा सुस्ताते हैं। अच्छा, मैंने कभी इस तालाब के पानी की जांच ही नहीं की, देखूं जरा। अरे वाह, मिल गया मुझे। अरे ये क्या, तुम्हें क्या हो गया दीदी? अब से मैं ही तुम्हारी दीदी हूँ और तुम्हारी दीदी आज से इस पेड़ में बंदी बन के रहेगी। अब मैं इस बकरी का मांस खाऊंगी। नहीं, जमींदार इस बकरी से बहुत प्यार करता है, अगर वो इसे नहीं देखेगा तो उसे शक हो जाएगा। हाँ, इसे मुझे अपने साथ ही रखना पड़ेगा। तुम क्या सोच रही हो रत्ना? सुनिए, ये बकरी बहुत बदमाश हो गई है, इसीलिए अब इसे काट कर खाना पड़ेगा हमें। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम इस बकरी से कितना प्यार करती हो, इसे मार कैसे सकती हो? बोल रही हूँ ना, मार दीजिए इसे, अब मैं इसे प्यार नहीं करती हूँ। लेकिन क्या आपके लिए मेरी इच्छा से ज्यादा प्यारी ये बकरी है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा होगा। अरे बाप रे, ये डायन तो मुझे मारने की योजना बना रही है। आज रात ही मुझे दीदी के पास जाना पड़ेगा। उफ, बहुत गर्मी लग रही है। खिड़की के पर्दे हटा देता हूँ। अरे ये क्या, रात के समय ये बकरी इस तरह अकेले तालाब की तरफ क्यों जा रही है? दीदी, वो डायन मुझे मार कर मेरा मांस खाने की बात कर रही है। हाय, ये क्या बोल रहे हो? तुम कुछ करो ना दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अब क्या करूँ, मैं तो इस पेड़ में बंदी हूँ। इस पेड़ से कौन बात कर रहा है? मैं रत्ना हूँ, आपकी पत्नी। एक डायन ने मंत्र पढ़कर मुझे यहाँ पर बंदी बना दिया है और आपके साथ मेरा रूप धारण करके रह रही है। समझ गया, इसलिए वो तुम्हारी प्यारी बकरी को मार कर उसे खाने की बात कर रही थी। लेकिन अब मैं तुम्हें कैसे पा सकता हूँ? आप इस तालाब से पानी लाकर मेरे चेहरे के सामने लाइए। अब ये पानी आप डायन के शरीर पर डाल दीजिए, उसके बाद डायन अपनी असली रूप में आ जाएगी।
ये क्या, आप कहाँ चले गए थे? तुम्हारे लिए पानी लाने गया था। क्या मतलब, आपके हाथ में ये कैसा पानी है? फेंक दीजिए, मैं बोल रही हूँ ना, फेंक दीजिए। तुम्हारी चलाकी अब और नहीं चलने वाली, ये लो। इसका मतलब उस लड़की ने ही जादू किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ने वाली मैं। अभी एक और काम करना बाकी है। आओ भाई, ये पानी पी लो तुम। अच्छा, ये सब तुमने कैसे किया? क्या तुम्हें जादू करना आता है? दरअसल अपनी इसी पानी वाली जादुई विद्या की वजह से ही मैंने अपना गांव छोड़ा था। मैं इस विद्या को छिपा कर रखना चाहती थी, लेकिन ज्यादा जरूरी नहीं होने पर मैं अपनी इस विद्या को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगी। और आप भी इसके बारे में किसी को मत बताइए। नहीं भाग्यवान, तुम साधारण औरत बनकर ही मेरे साथ रहो, मैं भी यही चाहता हूँ।